हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, तो गाइस अभी है शाम का समथिंग 6 बजे का समय, और शाम का जब समय रहता है ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है, वो भी भारी सा नहीं, हल्का फुल्का सा। और वो एक तौर से स्नैक्स भी ले सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो उसको। और आज हम सबका मैगी खाने का मन कर रहा था, और मैगी जो है भतीजी के हाथ की मिल जाए तो क्या कहने। और वैसे भी इन लोगों को ज़्यादा कुछ बनाना तो आता नहीं है, मेरी प्यारी सी भतीजियों को, और मुझे भी शायद शादी से पहले मतलब खाने पीने में कम ही इंटरेस्ट रहा। लेकिन हाँ, जब भी बनाती थी तो सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे, और इसी प्रकार से मेरी भतीजियों का काम है कि कुछ भी बनाएंगी तो बहुत ही बढ़िया बनाएंगी, और वरना तो बनाएंगी नहीं। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं कि या तो तुम उनसे बनवाओ, जो भी कुछ बनवाओ तो बहुत हटके बनाएंगे, और या फिर कुछ करेंगे नहीं। और ऐसा ही मेरी भतीजियों का काम है। और हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं फुर्सत से बढ़िया से इधर उधर घूम रहे थे, और वो लगी थी बनाने में। और होता है ना कि बस जब भी कोई बना रहा हो ना तो उसे टोकना नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पर यही काम कर रही थी। तो मेरे से कह ली बुआ जी आप जाओ, और जब बन जाएगी तो मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, आराम से बैठ गए थे, और यहाँ चाय जो है मेरी भाभी ने बना ली थी, और हम सब लोग यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पीने लग गए थे। वही शाम का समय चाय का रहता है, और वही कुछ ना कुछ खाने का अच्छा सा मन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगी जो है वो मुझे दे गई थी, और सब मुझे क्या सभी को दे गई थी, जैसे ही बन गई वैसे ही दे गई थी। और यहाँ पर जो मैगी है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनी थी। मैं हमेशा जब भी मैगी बनाती हूँ तो 2-3 प्रकार से बनाती हूँ, और लेकिन इसने जो मैगी बनाई थी वो उबाल के और फिर इसको उसने तड़का लगाया था। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कैसी बनेगी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी खाने के लिए। और वाकई में जब मैंने खाई ना गाइस, आप देख सकते हैं इसको मतलब देख के ही मुंह में पानी सा आ गया था और मुझे लग भी रही थी कि वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी होगी। और आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ सब लोग बैठ गए मैगी खाने के लिए, और मेरी जो मम्मी है उनका थोड़ा सा मन नहीं था, उनकी तबीयत नहीं थी तो उन्होंने नहीं दी थी। मतलब तबीयत थोड़ी ऐसी डाउन सी थी तो उनका मन नहीं था, वो चाय पी रही थी आराम से बैठ के। और भाई और भाभी और मैंने और बच्चों ने, हम सब ने जब मैगी खाई ना, सीरियसली गाइस बहुत टेस्टी थी, बहुत, जितनी भी तारीफ़ करी जाए बेबो की वो कम है। और मैंने यही बोला उससे कि चलो तुमने कुछ तो सीखा, और क्योंकि बच्चे कुछ बनाते नहीं है ना तो ये लगता है पता नहीं इनको कुछ आता है कि नहीं आता है, लेकिन हाँ जब भी बनाते हैं तो मज़ा सा आ जाता है। और मुझे यही लग रहा था कि ये मैगी ख़त्म ना हो और बढ़िया सी मुझे अच्छी सी ज़्यादा सी खाने को मिले, और ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि यसबी ने मैगी नहीं खाई थी, मैंने ही यसबी की मैगी खाई, तो मेरा तो भर गया था गाइस पेट और बहुत मज़ा आ गया था। और वैसे भी जब भी पासिंग मार्क्स देने होते हैं मैं सबको ज़्यादा ही से देती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो गाइस शाम को फिर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बच्चे परेशान कर रहे थे, तो हम लोग जल्दी ही सो गए थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद गाइस सुबह जैसे ही उठी ना, मैं उठने के बाद मैं सीधे जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ काम करना नहीं रहता है। और जैसे ही नहा के आई तो मेरी भाभी ने इतना बढ़िया सा नाश्ता मेरे आगे रख दिया था। और जो मेरा भाई है ना वो बहुत ही फेमस जगह से ये नाश्ता लेके आया था, मुझे बेड़ई और समोसे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं, समोसे से ज़्यादा बेड़ई अगर खाने को मिल जाए तो क्या कहना। और यहाँ पर बेड़ई थी नाश्ते में, तो बहुत ही मन से आज मैंने नाश्ता किया, और मैं यही सोच रही थी मैं खाना खाऊं चाहे ना खाऊं, लेकिन हाँ अच्छे से मैं पेट भर के खाऊंगी। और मुझे ये लगता है कि ये लोग गाइस मुझे खिला खिला के मोटा ही कर देंगे, और मैं इतना अपने आप का ध्यान रखती हूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सा मोटा ना हो जाऊँ, थोड़ी सी मोटी हो जाऊँ तो चलेगा। और इतना खिलाती हैं मेरी भाभी और मेरी भतीजियाँ, और मैं खुद भी खाती हूँ, मेरा भाई भी कुछ ना कुछ बाहर का लाता ही रहता है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़े से मार रही हूँ। और
किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दे रही हूँ अपने ऊपर, सिर्फ खाना और खाना और खाना ही चलता चला आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैंने शाम को मैगी खाई थी और फिर रात में मैंने तहरी खाई थी और सो गई और सुबह उठ के मैंने इतना सब खाया। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि पनीर बन रहा है गैस, और सुबह का समय है, नाश्ता तो हो ही गया था, खाने में पनीर की सब्ज़ी और यहाँ पर पूड़ी बनेगी, रोटी बनेगी, मुझे कुछ भी पता नहीं है क्योंकि मेरे भाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको पूड़ी खानी होती है तो वो पूड़ी बनवा, मतलब बोल देता है कि बना दो, और नहीं तो रोटी बन जाती है क्योंकि पनीर के साथ उसको पूड़ी पसंद है। तो हम लोग तो हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन उसका ही ज़्यादा रहता है तो इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाभी लग गई थी खाना बनाने में, और पनीर के साथ साथ गाय यहाँ पे रायता बनाने की भी तैयारी हो रही थी। और सब कुछ भाभी बनाती है, आप लोगों को पता ही है, खाना पीना भाभी बनाती है। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके मतलब शुक्रगुजार रहती हूँ क्योंकि गर्मी में अभी प्रेजेंट में मुझे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और भाभी बनाती है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वाकई में जो भी अभी खाना बनाता है मैं बार बार कहूँगी सीरियसली बहुत बड़ा काम है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पनीर की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो रही है और जो रायता है उसमें लगना है गाइस तड़का। तो भाभी ने सारी चीज़ें तैयार कर रखी हैं और अब लग जाएगा इसमें बढ़िया सा तड़का। और भाभी लोग जब काम करती हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कितना फटाफट काम करती हैं। मैं जब काम करती हूँ मुझे लगता है मेरे काम बढ़ते जाते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रायता है वो रेडी हो चुका था और सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। और यहाँ पर गाइस मैं भी बाहर जाने के लिए रेडी हो गई थी, मुझे जाना पड़ा अचानक से बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर, और वो मैं आपको आगे ही बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ और मुझे क्यों बाहर भागना पड़ा। और मेरे साथ मेरी मम्मी भी जा रही हैं और मेरे हस्बैंड भी, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो इतनी धूप में बाजार लेके जाएगा ही। तो मैं गाइस बाजार ही जा रही हूँ और इतना अर्जेंट काम आ गया था कि मुझे इतनी महंगाई में एक ख़ास चीज़ ख़रीदनी पड़ गई। मतलब इतना महंगा है अभी प्रेजेंट में कि कुछ ख़रीदने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या इतना महंगा है। और वो मुझे मजबूरी में अभी ख़रीदना पड़ गया था। और यहाँ पर मेरी मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों स्कूटी से निकल आए थे और इतनी धूप थी गाइस, इतनी गर्मी कि मतलब आप मानोगे नहीं, मैं बहुत दिन से दोपहर में कभी नहीं निकली हूँ, कभी नहीं, जब से गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई होंगी, अर्जेंट मैं भी शायद ना निकली हूँ। और यहाँ पर मैं हमेशा मतलब शाम ही को निकली हूँ, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। तो यहाँ पर गाइस फाइनली हम लोग आ गए थे सोनार की दुकान पे क्योंकि मुझे लेना था एक छोटी सी चीज़, लेकिन वो पैसे के मामले में बहुत बड़ी थी क्योंकि अभी मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था जो मुझे मतलब ख़रीदनी पड़े, लेकिन मजबूरी में ख़रीदनी पड़ गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं है तो छोटी सी लेकिन इतनी महंगी आई थी कि बता नहीं सकते। सोना तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेडीज़ लोग और जेंट्स भी, जाहिर सी बात है कि इतना महंगा है जिसकी कोई हद नहीं है। लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बस मन मार के रह जाते हैं क्योंकि इतना महंगा है, सोचते हैं जब सस्ता होगा तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग आ गए थे घर और मैं यहाँ पर नोज पिन दो लेके आई थी, वो भी मजबूरी में। वैसे तो मुझे एक ही लेनी थी लेकिन पसंद आ गई थी फिर मैं दो ले आई थी क्योंकि गाइस मेरी एक नोज पिन जो मैं पहनी थी वो मतलब कहीं गिर गई थी, खो गई, तो वो मुझे मिल नहीं रही थी। और मुझे मतलब बाली पहनना कम पसंद है, मेरे पास बहुत सारी बालियां हैं और नोज पिन मैंने अभी पहनना स्टार्ट किया है तो इसलिए फिर मुझे नोज पिन लेने के लिए जाना पड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लेके आ गई हूँ, चलो मैं दिखा देती हूँ। और जो भी थी मेरे पास सारी बड़ी बड़ी हैं तो मैं डेली में उन्हें पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं अब अपने मतलब की लेके आई हूँ जैसी मुझे चाहिए थी। तो चलिए मैं बनवाई बन आपको दिखा देती हूँ। एक मैं गाइस ये लेके आई हूँ और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और दूसरी गाइस ये कलरफुल है और ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये दिखने में ज़रूर छोटी हैं लेकिन वाकई में बहुत महंगी मुझे पड़ गई अभी प्रेजेंट में। और मैं यहाँ पर आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। और ये जो है मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी कलरफुल से, क्योंकि पहले मैं जो पहनी थी वो भी कलरफुल थी, इसलिए मैंने वाइट नक्की इस बार पहनी है। और मेरे फेस पे कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। उसके बाद गाइस मैंने खाना पीना खाया नहीं था और मम्मी ने नहीं खाया था, तो मम्मी तो चली गई थी थोड़ा सा आराम करने के लिए क्योंकि वो थक गई थी, उनका मन बिल्कुल भी नहीं था खाना खाने का।
और मेरे जो हस्बैंड हैं वो खाना खा के ही गए थे, तो इसलिए उन्होंने खाया नहीं, बस मैं ही बची थी खाना खाने के लिए। और यहाँ पर गैस खाने में बहुत कुछ था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और बढ़िया टेस्टी सा खाना था, तो मज़ा सा आ गया था खाना खाने में। और मैं यहाँ से कितना मोटा होके जाऊँगी ये तो आगे ही वक्त बताएगा मतलब अपने मायके से। तो गाइज मैं अब ब्लॉग का एंड करूँगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।